आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों की बहुत ही मनपसंद सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पफ। बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स स्टाइल इसे आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वेज पफ बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा। मैदे में डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ऑयल ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जैसे कि हम मोयन लगाते हैं वैसा ही हमें इसमें अच्छे से तेल को मिक्स कर ले मैदे के अंदर। और फिर इसके अंदर हमें पानी डाल करके इसका डो लगाना है। तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। और डो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं हो, यानी टाइट नहीं होना चाहिए। सेमी सॉफ्ट डो लगाना है, जैसा कि समोसे कचौरी के लिए लगाया जाता है बिल्कुल वैसा ही। अच्छे से इसे नीट कर लें और आधे घंटे के लिए ढक करके छोड़ दें रेस्ट होने के लिए। तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर आधा टीस्पून के करीब लहसुन डाल देंगे और 1 हरी मिर्च को कूट के डाल देंगे। दोनों को अच्छे से सॉटे होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप के करीब यहाँ पर मैंने प्याज ली है और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। और प्याज को हल्का सा हमें इसमें सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा प्याज जो है डार्क कलर के नहीं करने हैं, हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इन्हें कुक करना है। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दें। सब्जियाँ जो है आप अपनी पसंद की और भी ले सकते हैं, पर जो ये बेसिक जो टॉप होती है स्टफिंग वो मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि बनाई जाती है। और ये बिल्कुल मैगडी स्टाइल हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो जितनी भी सब्जियाँ वहाँ यूज़ की जाती है वही सब्जियाँ मैं आपको इसमें बता रही हूँ। उबले हुए स्वीट कॉर्न डाल देंगे, तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून उबले हुए स्वीट कॉर्न हैं। और साथ ही में इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर, एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बीच निकाल करके फिर मैंने चॉप किया है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर में नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है थोड़ा सा जल्दी पक जाए। और जितनी भी सब्जियां हैं हमें इसमें क्रंची करनी है, बहुत ज़्यादा मशी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जो खाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाएगा वो। तो टमाटर होने के बाद लास्ट में इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दें और शिमला मिर्च को भी हल्का सा कुक कर लें। उसके बाद इसके अंदर आधा टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें और ऑरिगेनो डाल रहे हैं 2 टीस्पून। चाहे तो चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग भी कर सकते हैं। और बस हमारी स्टफिंग जो है बनके ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। अब इसमें लास्ट में हम टमाटो केचप डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और यहाँ पर 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ का इस्तेमाल मैंने किया है। अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। और मोज़ेला चीज़ हो तो वो भी डाल सकते हैं। चीज़ मेल्ट होने तक पकाना है, गैस को बंद कर दें और इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। तो स्टफिंग को ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और इसे ठंडी हो जाने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है सब्जियाँ। अब हम इसके लिए पिज़्ज़ा पॉकेट्स की तैयारी कर लेंगे। तो आधे घंटे के बाद हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और जो डो लगाया था वो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरीके से किचन काउंटर पर थोड़ा सा नीट कर लेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला है जिससे कि जो थोड़ा सा फ्लेकी बनेगा, थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा हमारा जो लेयर है पफ की वो। और बस अब हमें इसके एक लोई ले लेंगे और उसे सूखा मैदा लगा करके बेल लेना है। तो जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे बेलना है। तो थोड़ा पतला बेल लें इसे, जिस तरीके से समोसे के लिए किया जाता है वैसा ही करना है। और अगर आप मैदे का नहीं बनाना चाहते हैं तो आप आटे का भी यहाँ पर बना सकते हैं, या आधा आटा आधा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है और अब इसकी 2 रेक्टेंगुलर शेप की शीट्स को कट कर लेना है। तो आप एक साथ बड़ा बेल करके और बहुत सारी शीट्स भी कट कर सकते हैं, या इस तरीके से एक रोटी की साइज़ का बेल करके फिर शीट कट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर ले। सेम साइज़ की शीट हमें कट करनी है। आप पिज़्ज़ा कटर से, चाकू से, किसी से भी इसे कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी शीट्स बना करके उन्हें किसी कपड़े से ढक के रख सकते हैं और फिर बस स्टफिंग करनी रहेगी और आपको फ्राई करना रहेगा। तो देखिए दोनों शीट्स बनके तैयार हो गई है। और अब इसके अंदर मैं आपको स्टफिंग कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो बस 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब हमें स्टफिंग लेनी है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है। स्टफिंग को थोड़ा सा इस तरीके से लंबा कर लें और चारों तरफ स्पेस रखें ताकि जो हमारा पफ है वो अच्छे से कवर हो पाए, वरना जो स्टफिंग है वो सारी बाहर निकल जाएगी फ्राई करते वक्त। और बस इस पर चारों तरफ इस तरीके से आपको पानी की एक पतली सी लेयर लगा देनी है दोनों शीट्स के ऊपर, और एक के ऊपर एक रख के अच्छे से इन्हें सील पैक कर देना है।
आप चाहें तो इन्हें समोसे का शेप भी दे सकते हैं या अपनी पसंद का कोई और शेप, स्क्वायर शेप कुछ भी दे सकते हैं, पर हम बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं जैसा कि मैकडी में मिलता है, तो वो ऐसे ही शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, इसलिए मैंने इसे ऐसा ही शेप दिया है। अच्छे से हम इसे दबा दबा करके प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल भी कहीं से खुला ना रहे ये आप ध्यान रखें। और फिर इसे दोबारा से और अच्छे से सिक्योर करने के लिए और इस पर डिज़ाइन डालने के लिए आप इस तरीके से एक कांटा ले लें और इस कांटे से इस तरीके से इस पर डिज़ाइन डाल दें ताकि ये अच्छे से पैक भी हो जाएगा और इस पर डिज़ाइन भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सारी शीट्स बना के रख लें और उसे कपड़े से ढक के रखते जाएं और बस इसे हमें तेल के अंदर फ्राई करना है। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पर इन्हें बेक कर लें, और अगर आपको इसे एयर फ्राई करना है तो ऑयल ब्रश करके उसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं तो इसे फ्राई कर रही हूँ, तो हल्के गरम तेल के अंदर इन्हें डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए वरना ये एकदम से कलर पकड़ लेगी और अच्छे से सिक नहीं पाएगी। धीमी आंच पर अच्छे से उलट पुलट के ब्राउन होने तक इन्हें सेक लें। गैस की आंच जो है वो मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें और बहुत ज़्यादा लो भी ना रखें। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर वगैरह डालने से थोड़े से बबल्स दिख रहे हैं, अच्छे से फ्लेकी बनेगा हमारा जो ये लेयर है और खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी, क्रिस्पी होगी, कड़क नहीं होगी। और ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकालते जाएंगे और सारे पफ बना के तैयार कर लेंगे। इसे आप केचप के साथ सर्व करिए या ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।